जमावड़ा लगातार मीडिया का वहां पर है, लेकिन बड़ी बात यहां से ये निकल कर आएगी कि ये जो टीम, ये जो आला अधिकारी अवनीश अवस्थी, डीजीपी यूपी, ये सभी लोग जो यहां पर पहुंचे हैं, पहली बात ये भरोसा कायम करना है परिवार के साथ, दूसरी बात एसआईटी की जांच जो है, जिसने रिपोर्ट अपनी देनी है, बड़ी बात क्या वापस से दोबारा से सवाल जवाब होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कागज कलम पर कुछ लिखा भी जा रहा है वहां पर, क्या अपने तरीके से सवाल जवाब अलग तरीके से किए जा रहे हैं ताकि भरोसा कायम हो सके, परिवार को यह भरोसा हो कि कम से कम जो जांच हो रही है एसआईटी की तरफ से वो सही है और निष्पक्ष है। देखिए, लगातार परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल उनसे जबरदस्ती जानबूझकर उनसे बहुत सारी चीजों को लिखवा लिया गया, वो नहीं तैयार थे, उनको मनवा लिया गया। तो यहाँ पर तमाम मीडिया के लाइव कैमरों के बीच में ये अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जिस निष्पक्षता के अभाव का बार बार दावा किया जा रहा था वो कम से कम मीडिया कैमरों के जरिए जो तस्वीरें देश भर में जाएंगी उससे बहुत सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, इसीलिए इन अधिकारियों को खुद ही आना पड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री योगी से बात की थी फोन पर और कहा था कि हाथरस की पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फौरन एसआईटी का गठन करते हैं, एसआईटी की टीम परसों यहाँ पर पहुँचती है, पूरे दिन भर यहाँ पर बातचीत करती है, लेकिन उसके बावजूद जो डीएम का वीडियो सामने आता है और जो स्थानीय अधिकारियों का रवैया सामने आता है वो लगातार सवालों के घेरे में था और विश्वास की कमी थी घर के भीतर इन पुलिस वालों को लेकर, अधिकारियों को लेकर विश्वास की कमी थी, इसीलिए ये अधिकारी अपने तमाम काम धाम को अलग कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि लाइव मीडिया कैमरों के जरिए वो परिवार से बातचीत करें और उनसे जाने कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरह की जांच चाहिए जिससे मामले का एक निष्कर्ष पहुंचे, आप क्या चाहते हैं। वही इन अधिकारियों की ओर से यहाँ पर एक बार फिर से सत्य दिखाए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, खजाखर बहुत ज्यादा भीड़ है, छोटा सा घर है, आप मीडिया कर्मियों की भी उतनी ही मौजूदगी और उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर पुलिस वालों की है, तो यकीनन थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कम से कम इस लिहाज से ठीक कही जा सकती है कि अधिकारी खुद बातचीत करेंगे तो परिवार जो चाहता है, जो इंसाफ की बात कर रहा है, वो इंसाफ उस परिवार को मिल पाए ना। बिल्कुल, यही भरोसा भी दिया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीरें हैं बॉडी लैंग्वेज कम से कम यही दिखा रहे, लेकिन चित्रा देखिए आप भी कई दिनों से यहीं पर इसी पूरे इलाके में हाथरस में मौजूद है, परिवार के साथ है, कभी बात किया अपने परिवार से, फिर उसके बाद एसआईटी की टीम जब यहां पर परिवार से जांच करने के लिए पहुंची थी, सवाल जवाब करने पहुंची थी, तब मीडिया पर पहरा लगा दिया गया, कोई अंदर तक नहीं जा सकता था, पूरे गांव में पहरा लगा दिया गया, लगता नहीं है कि अगर तभी कहीं मीडिया की एंट्री होती या फिर बातचीत करने दी जाती तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। आज खुद आला अधिकारी वहां है, मीडिया को भी इजाजत दे दी गई है, जितनी फजीहत अभी तक हुई है कम से कम वो उससे बचा जा सकता था, परिवार को भी भरोसा बनता। बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने, यहाँ पर ये गलती आखिर क्यों हुई अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, परसों सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एसआईटी की टीम परिवार वालों के बयान दर्ज करती है, बकायदा लिखा जाता है, परिवार वालों के बयान दर्ज हुए, 3 बजे एसआईटी की टीम यहाँ से चली जाती है, उसके बाद यहाँ पर कम से कम आप थोड़ा पीछे हटो यहाँ पे हल्ला कर रहे हो, उसके 3 बजे तक यहाँ पे रहती है, 4 बजे अगर यहाँ पर मीडिया कैमरों को अलाउ कर दिया जाता तो ये जो भद्दी पिटी है, ये जो किरकिरी हुई है कि आखिर वो कौन सा सच है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, इतनी भद्दी नहीं पिटती, ये निर्णय ही गलत था, मीडिया के कैमरों को बंद करके आखिर आप क्या बताना चाहते हो, ये गलती आपने कर दी, जिसके बाद लगातार यहाँ पर सवाल खड़े होते रहे और इसी वजह से पूछा जाता रहा कि सच पर पर्देदारी की कोशिश क्यों की जा रही है, कौन सा सच है जिसको छिपाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इन 2 दिनों में आपको क्या हासिल हुआ, आज मीडिया को आपने छोड़ दिया है, अगर परसों 3 बजे के बाद आप छोड़ देते तो परिवार के लोग बता पाते कि एसआईटी की टीम ने आपसे क्या सवाल जवाब किया है। बिल्कुल, कल एसआईटी की टीम यहां आई ही नहीं थी, सोचिए एसआईटी को 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है, कल यहां पर टीम नहीं थी, आज भी नहीं थी, लेकिन आज इन अधिकारियों का यहां पर आना यकीनन एक बहुत बड़ा मैसेज है और वही मैसेज देने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है और ये अधिकारी क्या बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, क्या परिवार वालों को भरोसा दे पाएंगे कि सरकार और पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम आपके साथ है, इसीलिए लखनऊ से चल के आपके दरवाजे तक पहुंचे हैं ताकि बेटी को न्याय मिल पाए। अब इनके जाने के बाद परिवार की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, बहुत अहम होगा, क्योंकि चित्रा देखिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम है, परिवार पिता हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों अधिकारी जो वहां पर बैठे हुए हैं जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी भी नजर आ रही है, हम देख रहे हैं अवनीश अवस्थी भी जिस तरीके से हाथ जोड़े, यानी दिखाने बताने की कोशिश है कि देखिए हम यहां पर चलकर आए हैं इसलिए ताकि आपको न्याय मिल सके, इसलिए ताकि आपका भरोसा बन सके, इसलिए ताकि आप निश्चिंत होकर अपनी बात कह सके, कागज कलम के साथ यहां पर दोनों अधिकारी बैठे हैं, सारी बातें सुनकर उसको लिख भी रहे हैं, साथ ही साथ चित्रा ये बहुत अहम है तस्वीरें, चित्रा त्रिपाठी।